हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है बैड टीचर। इस मूवी की कहानी में हम एक ऐसे टीचर को देखते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत है, साथ ही उसके आदतें भी बहुत खराब हैं। इस मूवी की शुरुआत एलिजाबेथ से होती है। वो एक टीचर है लेकिन उसे वाइन और ड्रग्स की आदत है, साथ ही वो अमीर लड़कों के साथ घूमती भी है। इसके अलावा वो ऐसे बहुत से काम करती है जो कि एक टीचर को नहीं करनी चाहिए। एलिजाबेथ का एक बॉयफ्रेंड है जो कि काफी रिच है और वो अब उससे शादी करने वाली है। एलिजाबेथ हमेशा से यही चाहती थी कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे और इसी वजह से वो अपने टीचर की जॉब छोड़ देती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने जॉब को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के घर में आ जाती है, जहाँ उसे उसके बॉयफ्रेंड की माँ मिलती है। उसकी माँ को एलिजाबेथ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगता था जैसे एलिजाबेथ उसके बेटे से प्यार नहीं करती है, वो बस उसके पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। उसकी माँ जब एलिजाबेथ से अपने बेटे के बर्थडे के बारे में पूछती है, तब एलिजाबेथ कुछ भी नहीं बता पाती है। ये सब देखकर उसका बॉयफ्रेंड भी गुस्सा हो जाता है और वो एलिजाबेथ से सारे रिश्ते तोड़ देता है। इसके बाद हमें मूवी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और अब एलिजाबेथ के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अब उसे पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से वो अपने स्कूल को फिर से ज्वाइन करती है। स्कूल के लंच टाइम में एक टीचर एलिजाबेथ से बातें करती है। यहीं पर एलिजाबेथ उस टीचर से कहती है वो ज्यादा दिनों तक इस जॉब को नहीं करना चाहती है, बल्कि वो किसी अमीर लड़के को फंसा कर उससे शादी करना चाहती है और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहती है। रात होने पर वो बार में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है जिसे वो अपने जाल में फंसा सके। इसके बाद वो अपने घर आकर सोने लगती है, लेकिन उसे अच्छे से नींद नहीं आती है। अगले दिन जब एलिजाबेथ स्कूल में जाती है, तब वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय एक मूवी प्ले कर देती है और खुद वहाँ सो जाती है। इसके बाद लंच टाइम में जब एलिजाबेथ अपना खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर इस स्कूल का जिम टीचर आता है जो कि एलिजाबेथ को लाइक करता है। लेकिन वो जिम टीचर जिसका नाम रसेल है, वो उतना रिच आदमी नहीं होता है जितना कि एलिजाबेथ को चाहिए और इसी वजह से वो रसेल को ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। उसी वक्त एक दूसरी टीचर एलिजाबेथ से मिलने के लिए आती है। इस टीचर का नाम एमी है जो कि एलिजाबेथ से फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ उससे कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहती है और वहाँ से जाने लगती है। यहीं पे एलिजाबेथ की नज़र एक टीचर पर पड़ती है और इस टीचर का नाम स्कॉट है। स्कॉट कुछ दिनों के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए आया था और वो काफी रिच था। एलिजाबेथ स्कॉट के पास जाती है। एलिजाबेथ स्कॉट से बातें करते हुए ये पता कर लेती है कि वो अभी सिंगल है, लेकिन उसे बुरा तब लगता है जब स्कॉट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो उसे दिखाता है जो कि देखने में एलिजाबेथ से काफी खूबसूरत थी। अब एलिजाबेथ किसी भी तरह स्कॉट को पटाना चाहती थी और इसलिए वो अपने फिगर को अच्छा करने के लिए सर्जरी करवाना चाहती थी। सर्जरी के लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं इस सर्जरी के लिए उसे $9,000 पे करने होंगे, लेकिन एलिजाबेथ के पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और उनसे पैसे मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे पैसे नहीं देते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ को अपने एक स्टूडेंट से ये पता चलता है, उनकी स्कूल की एक टीम कार वॉश करने जा रही है। कार वॉश करके इन्होंने पिछली बार $6,000 कमाए थे। ये सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है और वो सोचती है अगर इतने सारे पैसे मिल जाए तो उसका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन उनकी स्कूल की इस टीम को कोई दूसरी टीचर लीड कर रही थी और इसलिए एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और वो प्रिंसिपल से कहकर खुद को इस टीम का लीडर बना लेती है। इसके बाद अगले दिन एलिजाबेथ कार वॉश करने के लिए जाती है, जहां उसने काफी छोटे कपड़े पहने थे और इस हॉट ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो अपने अदाओं से काफी सारे पैसे कलेक्ट कर लेती है। इन पैसों को कलेक्ट करते हुए कुछ पैसे चुरा लेती है, लेकिन एलिजाबेथ को पैसे चुराते हुए एमी देख लेती है। इसके बाद एमी सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और वो प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल एमी पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि एलिजाबेथ ने इस बार प्रिंसिपल को $7,000 दिए थे जो कि पिछले बार के एमी के अमाउंट से ज्यादा हैं। एमी को इस बात से बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एमी सीधा स्कॉट के पास पहुंच जाती है और वो स्कॉट के सामने एलिजाबेथ की बॉडी और ब्रेस्ट की सर्जरी के बारे में बताती है, लेकिन स्कॉट को पहले से ये सब पता था और इस तरह से एमी का प्लान फेल हो जाता है। स्कॉट यहाँ पर ये कहता है मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है कि लोग बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मेंटेन करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं और वो अब काफी खुश है। कुछ पेरेंट्स एलिजाबेथ को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ताकि एलिजाबेथ उनके बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे। एक बार एलिजाबेथ और स्कॉट विंटर पार्टी में मिलते हैं, जहाँ स्कॉट एलिजाबेथ को ये बताता है कि वो एमी को लाइक करता है। ये सुनकर एलिजाबेथ का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो इस स्कूल के जिम टीचर रसेल के पास जाती है और उसके साथ कुछ समय गुजारती है। वो अब स्कॉट को पटाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढने लगती है। एक बार एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट के घर जाती है, जहां वो अपने स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। यहीं पे उसका स्टूडेंट गेराल्ट उसे बताता है वो अपनी क्लासमेट रोजी को लाइक करता है और वो कुछ दिनों बाद उसे प्रपोज भी करने वाला है, लेकिन एलिजाबेथ गेराल्ट को समझाती है वो रोजी के पीछे ना जाए क्योंकि रोजी उसे लाइक नहीं करेगी। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं
जो कि सभी टीचर्स के साथ साथ एलिजाबेथ को भी अपनी बार पार्टी में इनवाइट करता है। जब एलिजाबेथ उस पार्टी में पहुंचती है तब वो देखती है स्कॉट एमी के लिए एक गाना गा रहा है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरे दिन जब एलिजाबेथ अपने स्कूल में जाती है तब उसे ये पता चलता है कि उसके स्टेट में एक एग्जाम होने वाला है और जिस टीचर के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में टॉप करेंगे उसे $5,700 दिए जाएंगे। ये खबर सुनकर एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने लगती है, लेकिन अपने बीते साल में एलिजाबेथ ने अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पढ़ाया था और इसी वजह से वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाती है। इसके बाद वो एक दूसरा रास्ता निकालती है। इसके बाद वो एक न्यूज रिपोर्टर बनकर स्टेट एग्जाम इंचार्ज के पास जाती है और वो उसे सेड्यूस करती है। तभी एलिजाबेथ चालाकी से उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देती है। जब इंचार्ज उस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो जाता है तब एलिजाबेथ चुपके से एग्जाम के पेपर चुरा लेती है, जिसके बाद एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स स्टेट में टॉप कर जाते हैं और इसके बाद उसे अपने पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद वो अब स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करना चाहती है। कुछ दिनों बाद सभी टीचर्स एक पिकनिक पर जाने वाले होते हैं। तब एलिजाबेथ एक प्लान बनाती है और वो एमी का फेस खराब कर देती है, जिसके बाद एमी इस पिकनिक पर नहीं जा पाती है। एमी को बाद में ये पता चल जाता है कि एलिजाबेथ ने ही उसके साथ ऐसा किया है। एमी अब एलिजाबेथ से बदला लेना चाहती थी। एमी एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए अपने क्लासरूम का डेस्क एलिजाबेथ के क्लासरूम के डेस्क से बदल देती है। जब एमी एलिजाबेथ के डेस्क को चेक करती है तब उसे स्टेट एग्जाम के पेपर्स मिलते हैं जो कि उसने स्टेट एग्जाम इंचार्ज से चुराई थी। ये देखकर एमी समझ जाती है कि कैसे एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को टॉप किया है। एमी इसके बारे में प्रिंसिपल को बताती है। जब प्रिंसिपल इस बात को जानते हैं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो अब एलिजाबेथ को सजा देना चाहते थे, लेकिन एलिजाबेथ को सजा देने के लिए इन लोगों को उस प्रोफेसर की स्टेटमेंट चाहिए थी। इसके बाद एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे डरा कर एलिजाबेथ के खिलाफ बोलने के लिए तैयार करती है। वहीं दूसरी ओर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि स्कॉट को बहला फुसला कर अपने तरफ कर लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने का नाटक करके एमी को बताती है ताकि एमी को ऐसा लगे जैसे स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। अगले दिन हम गेराल्ट को देखते हैं जो कि एक अच्छी से पोयम सुनाकर रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी उसे लाइक नहीं करती थी और इसलिए वो उसे सभी के सामने मना कर देती है। एलिजाबेथ और रसेल ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें भी ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी रसेल के साथ ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि एलिजाबेथ भी अपने सच्चे प्यार को छोड़कर पैसों की तरफ भाग रही थी और अब वो गेराल्ट को सभी के सामने हीरो बनाना चाहती थी। इसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी ब्रा दे देती है और सभी स्टूडेंट के सामने जाकर ऐसा कहती है कि गेराल्ट एक सीनियर लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। सभी लोग एलिजाबेथ की बात को झूठ समझते हैं, लेकिन तभी गेराल्ट सभी के सामने उस ब्रा को दिखाता है, जिसके बाद सभी लोग उसे हीरो समझने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। उसी वक्त एमी एलिजाबेथ के सामने आ जाती है और वो सभी को ये बताने लगती है कि कैसे एलिजाबेथ ने अपने स्टूडेंट्स को टॉप कराया था। वो एलिजाबेथ से ये भी कहती है कि बहुत जल्द तुम जेल जाने वाली हो, लेकिन एलिजाबेथ हार मानने वाली नहीं थी। इसके बाद एलिजाबेथ कुछ फोटोज अपने फ्रेंड को देती है। उसका फ्रेंड्स उन फोटोज को प्रोफेसर को देता है ताकि एलिजाबेथ प्रोफेसर को ब्लैकमेल कर सके। एलिजाबेथ जब अपने क्लासरूम में जाती है तब वो अपने डेस्क में एक स्टिकर देखती है। इस स्टिकर को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि एमी ने उसके डेस्क को चेंज किया है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है, जहां वही प्रोफेसर आने वाला था जिसे एलिजाबेथ के खिलाफ स्टेटमेंट देना था, लेकिन वही प्रोफेसर एलिजाबेथ के फेवर में स्टेटमेंट देता है और इस तरह एलिजाबेथ यहां बच जाती है। यहीं पे एलिजाबेथ प्रिंसिपल को यह बताती है स्कूल में कुछ टीचर्स ड्रग्स लेते हैं, इसलिए प्रिंसिपल को टीचर्स की तलाशी लेनी चाहिए। एलिजाबेथ के डेस्क में ड्रग्स था, लेकिन वह डेस्क अभी एमी के पास होता है और इसलिए चेकिंग के दौरान जब ड्रग्स मिलता है तब एमी फंस जाती है। एमी सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि वो ड्रग्स उसके नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। एमी को कुछ दिनों के लिए जेल हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद जब वो जेल से छूटती है तब उसे पढ़ाने के लिए एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एलिजाबेथ और रसेल को देखते हैं और अब एलिजाबेथ रसेल के साथ खुश है और वो रसेल के प्यार को अपना लेती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।